एगाथा का और क्या हुआ बताओ, अपने साथ प्रैंक हुआ या दे वर लाइक ओके इतना फकअप हो चुका अब इसको जोक बना देते हैं? वही बोल दिया भाई, ये बग नहीं है, ये मतलब फीचर है। फीचर है, वही फीचर हाँ है। फीचर है, इस बार इट वाज एगाथा मेरे ऑल मेरे अलोंग। को हाँ मेरे को भी वही लगता है कि वही हाँ आपका हाथ इतना उल्टा मुड़ चुका है, अच्छी बात है उल्टा काम कर रहा है अभी। वही होता है बोले ना, नहीं। बात कर रहे हैं कि उसमें हाँ कि सर चार चार नाम हम दे चुके हैं, कहते अच्छा हाँ एक और डाल दो, बोल देंगे सब इसी का ये वही खेलना। एगाथा ऑल हाँ अलोंग। बोले हाँ डॉक्टर साहब आपने मेरे को ये दवाई दी थी, ये तो इसका साइड इफेक्ट होके खुजली होने लग गई। बोले कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यही तो इसका इफेक्ट है, हाँ अब यही ये इफेक्ट दूसरी है। गोली लो, इससे ठीक हो जाओगे। हाँ मतलब चार, एक सेकंड, उसका उसका फोटो था मेरे ऐसे पास आई डॉक्टर्स थिंक। कभी एक्सेप्ट करते मतलब कि हाँ हो गया गलती मेरे से थोड़ी। हाँ नहीं अगर किसी का भी साइड इफेक्ट है दवाई का तो मुझे थोड़ी ना पता है कि वो किसी को भी एलर्जिक रिएक्शन कॉज करे। कोई भी दवाई किसी को भी एलर्जी कॉज कर सकती है। तुम नोटिस करना कि कभी भी मूवीज देखते हैं हॉलीवुड की मूवी, वहां पे कभी भी डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन होता है तो उसमें वो पूछते हैं एनी एलर्जीज। तो ये हमको वैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बताया जाता है पूछने के लिए कि मतलब कोई एलर्जी है क्या आपको, नो। बट जनरली यहाँ पे अपने यहाँ पेशेंट्स को कम पता होता है कि किसी हाँ दवाई से या किसी चीज़ से एलर्जी है क्या। बट अपन एगाथा की बात कर रहे थे तो उसका पहला टाइटल आया था एगाथा डार्कहोल्ड डायरीज, और ये शो उन्होंने तब अनाउंस किया था जब वो अंधाधुंध अनाउंस करने वाले फेज में थे कि हाँ भाई वो कैरेक्टर पॉपुलर हो गई, तू सीरीज, तेरे को चाहिए तू सीरीज, ले तेरे ऊपर भी सीरीज, तो अब इसकी क्वालिटी कैसी होगी? इसके 10 एपिसोड्स होंगे, जितने भी हो गए कोई कोई आई हैव नो क्वालिटी की, आइडिया। आठ आठ निकालो, छह निकाल दो, मैं तो कहता हूँ हाँ क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं। नहीं। देखो यार वो कैथरीन हार्न थोड़ी सी मिल्फ मटेरियल है मेरे को मूवी पता है के इसके बाद इसके पूरा। थ्रू ये समझ में आता है कि इससे ये मॉमी को जिंदा करेंगे, ठीक है। तेरी तो इसके एंड शादी हो में गई है, आराम से बोल ले ठीक है। तो शादी से मतलब मैं कोई उसका वो थोड़ी ना कर रहा हूँ कि मतलब ओ नहीं मेरे को बुरा लगा ना तुम समझ नहीं रहे पर्सनली। हो पीजे, मोहित जो है वो समाज के कंधे पे रख के अपनी बंदूक चला रहे हैं कि समाज ने जब मॉमी डिक्लेयर कर ही दिया तो मैं भी और धीरे क्या, धीरे मॉमी बोल ही जो देता हूँ। यूनिवर्सल नाम है वही लिया जाएगा ना, मतलब कोई ऐसा थोड़ी है भाई। श्रेया जी अभी ना दिल में यूनिवर्सल नाम लिया एक उन्होंने दिल में भाई। एकदम टस से एक थोड़ी सी दर्द नहीं हो तो वैसा। तो अगाथा का दूसरा टाइटल आया था अगाथा कवन ऑफ केओस, ठीक है, फिर तीसरा टाइटल आया एगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, फिर चौथा टाइटल सुनने मिला था एगाथा द लाइंग विच विद ग्रेट वॉर्डरोब। लाइंग हाँ विच 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 नहीं ली विच। बात तो इट्स लाइक कितने तुम चेंज कर रहे हो, फिर उसके बाद उन्होंने सब मिला के एक पांचवा टाइटल गिरा दिया इट वाज एगाथा ऑल अलोंग। ऑल अलोंग। क्या ये तो फाइनल है? हाँ ऑफ कोर्स आई थिंक फाइनल है, अब ये तो अनाउंस फाइनल ही है, अब कर तो दो, ये डेट भी फाइनल बता है। दी, सितंबर 18 दो एपिसोड या आएंगे पहले दिन, ठीक है उस दिन बादल को बुलाया जाएगा प्लीज आप आइए ठीक ना हो हमारा एपिसोड देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बादल की तो इतनी रिस्पेक्ट है ना, क्या बताऊँ बादल मैं। फुल फुल रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट भाई फुल। तो इस पे बस वही है कि वांडा को जिंदा करने के लिए यूज करेंगे इसको अल्टीमेटली। और उसकी पता है अगाथा की पावर्स चली जाती हैं बहुत ज्यादा मतलब कि एक्साइटेड हूं हाँ नहीं मैं इसके लिए, ठीक है। नहीं यार मतलब ये पता कैजुअली चल है रहा है मेरे को बस। लगता है ना, आप वो जो अनाउंसमेंट किया है ना इन लोगों ने अभी रिसेंटली कि हम लोग क्वालिटी पे फोकस करेंगे क्वांटिटी पे नहीं करेंगे, और वो वो इस पे जो अप्लाई अगली नहीं होता, इस पे अप्लाई नहीं आई होता। थिंक अगली कुछ चीजों तक अप्लाई नहीं होगा, वो हाँ इस या पे भी नहीं होगा और उसके बाद जो आयरन हार्ट आएगी उस पे भी अप्लाई नहीं होगा। और ये हाँ वो तो भी हाँ, ये तो वो अब वो हो जाता है ना बीस्ट ऑफ बर्डन हो जाता है ना कि वही यार वही कि आप तो अब बना वो दिया है। नहीं, वो थाली में रख लिया ना तो हाँ खाना तो पड़ेगा, हाँ ठीक है। देखो मैं केविन चाचा को बोलना चाहूँगा कि इंस्पिरेशन लो, आपके बाजू में एक स्टूडियो है वार्नर ब्रदर्स, उन्होंने कैसे बनी बनाई पिक्चर को काट क्रैप दिया कर भाई दिया। यार मतलब यस टैक्स में सीधा टैक्स डिलीट राइट मार ऑफ। दिया। लेकिन फिर नहीं तो मार्वल वालों के पास अभी कंगाली हुई नहीं है ना, तो दे नहीं डोंट नहीं नीड इसमें टैक्स मेरे राइट को ऑफ लगता है, तो। लेकिन वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं इसीलिए उसको कैंसिल नहीं किया उन्होंने। जैसे इसमें तो वो लोग वांडा को जिंदा करेंगे, ठीक है, और उसके बिली और टॉमी वाले बच्चे भी बड़े होंगे तो उनको यंग एवेंजर्स के लिए यूज करना है उनको, और फिर वो आयरन हार्ट में वो मेफिस्टो को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैं बता ब्रदर रहा हूँ आपको, व्हाट तुम बस देख व्हाट लेना। इज दैट? नहीं पता क्या 2021 से नाम ले रहे हैं पर उसका, मैं तो ले ही रहा हूं एटलीस्ट। मेफिस्टो मेफिस्टो आएगा भाई आएगा, एक दिन वो साशा जरूर आएगा साशा बैरन मेफिस्टो। कोहेन को ले लिया ना उसके रोल में कास्ट किया उन्होंने,
वही प्ले करेगा, वो परफेक्ट कास्टिंग है वो।